हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने फ्लेयर का वीडियो जो है अपलोड कर दिया है और चोली भी बना ली है। तो आज हम दूसरे पार्ट में चोली बनाना सीखेंगे कि मैंने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही शानदार चोली बनी है। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है और ये वाली फ्रंट साइड है। और फ्रंट से ही हम पहनाएंगे। ये वाली चेस्ट है और ये वाली पीछे कमर का एरिया है। और बिना बाजू की मैंने बनाई है, बहुत शानदार है। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, क्योंकि बिना जाली के जो चोली है उसकी डिमांड थी। तो बिना जाली की ही है, बहुत अनोखे तरीके से बनाई गई है। बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आती है। 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये चोली है। 6 नंबर को तो फुल फिटिंग आती है, 5 नंबर में थोड़ा सा लूजिंग है इसमें। बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है और बहुत ही इजी तरीके से, जो हर कोई बना सकता है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए इसी तरह। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस चोली को कैसे बनाया है। घेरा बनाने के बाद अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 16 फंदे जो हैं अपनी नीडल पर कास्ट ऑन की है। और मैंने सेम वही वूल ली है जो 3 प्लाई की वूल होती है ना, 3 धागे वाली, वही वाल ओन योर यूज की है। जो भी कलर होगा 3 प्लाई का ही होगा। तो अब हम सीधी साइड से उल्टे फंदे बनाएंगे। फंदे कास्ट ऑन करने के बाद हमने जो पहली रो बनानी है ना, उल्टे फंदों की बनानी है। ये हमारी बेसिक रो है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए मेरे 5 फंदे हो गए, मैं काउंट कर देती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये लास्ट में 16। 16 फंदे हैं हमारे। जो मैंने ये वाइन कलर लगाया है ना, ये कलर तो हमने स्टार्टिंग में ही लगाना है, बस इतना ही लगाना है। अब हम रॉन्ग साइड में आ चुके हैं, तो रॉन्ग साइड में हम वाइट कलर लगा लेंगे। इसको यहीं से कट कर देंगे, क्योंकि आगे हम ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे इसको। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से लगा लेंगे। रॉन्ग साइड से भी हमने उल्टा ही बुनना है। सिर्फ मैंने कलर चेंज करना था, इसीलिए आपको दिखाया कि मैंने कलर चेंज करना है। और इस फंदे को टाइट कर लेंगे और साथ में ना इन धागों को भी दबाते हुए जाएंगे हम ऐसे, साथ में ही दबाते जाना है। जहाँ तक जाएंगे 5-7 फंदे दबा लेंगे, इससे ये पक्का हो जाएगा। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो ऐसे हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमने वाइट कलर लगा लिया और रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं राइट साइड। इन 2 रो को हम काउंट नहीं करेंगे। फंदे डालने के बाद जो हमने उल्टी और सीधी सिलाई डाली है, इसको हमने गिनना नहीं है। अब देखिए राइट साइड में आ चुके हैं, धागा अपनी तरफ है। पहले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। पहले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, बीच के सारे फंदे सीधे बनाएंगे। सीधे बनाएंगे, लेकिन इसके साथ हमने करना क्या है, 1 फंदे के 2 फंदे बनाने हैं हमने। ऐसे पहले सीधा फंदा बनाया, हमने गिराया नहीं है इसको, लूप को। इसके हमने बैक साइड नीडल ऐसे डाली और 1 फंदा और बना लिया, ऐसे करके 2 हो गए। फिर से सीधा फंदा बनाया, उस फंदे को हमने गिराना नहीं है। इसी में हमने पीछे से दूसरी तरफ सिलाई निकालनी है और सीधा बुन लेना है। 1 फंदे के 2 फंदे हो जाते। तीसरी बार फिर सेम तरीके से हमने करना है। पहले 1 फंदा सीधा बनाया,
फिर दूसरी साइड हमने नीडल इंसर्ट करनी है और एक और स्टिच बना लेना है। ऐसा करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। सिर्फ लास्ट के जो तीन फंदे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। बहुत आसान है, इजीली हो जाता है। अगर आपके पास कोई और आइडिया है फंदे डबल करने का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन करना हमने सीधे फंदों, सीधी रो बनानी है, बीच में हमने उल्टे फंदों से नहीं बनाना। ऐसे फिर से एक के दो बनाए और लास्ट में एक फंदा बचा है सीधा, इसके भी दो बना लिए और तीन फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे। इसको उल्टा बनाया, दूसरे को उल्टा बनाया और तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, क्योंकि मुझे धागा पिछली तरफ चाहिए। फंदा ये भी उल्टा ही है, लेकिन मैंने सिर्फ लास्ट धागा पीछे करने की वजह से इसको सीधा बनाया। अब हमारे पास यहाँ पर ना 10 के 20 हो गए, बीच में हमारे 16 फंदे थे टोटल, 3 इस साइड निकाले, 3 इस साइड निकाले, 6 फंदे हो गए। बीच में हमारे 10 फंदे थे, 10 फंदों के मैंने डबल कर लिए हैं, 20 फंदे हो गए, 20 और 6 26 फंदे हो चुके हैं हमारे पास। अब हम रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे। तो बैक साइड से हर बार रो उल्टी ही बनानी है, चाहे आप सीधी साइड से सीधे फंदे बना रहे हो चाहे उल्टे बना रहे हो, रॉन्ग साइड से हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। तो उल्टे फंदों की रो कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से हम जो है एक और कलर ऐड करेंगे, जो हमने घेर की पट्टियों में टहनी बनाने के लिए डाला है ना ग्रीन कलर, वो वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक रो उल्टी आएगी दोनों साइड से, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर हम यहीं से एक कलर और लगा लेते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। ऐसे करके हमने एक कलर यूज़ कर लेना है बीच में और इस धागे को भी दबाते जाना है साथ में। तो ऐसा करके मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँ। सेकंड रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड में तीसरी सिलाई पर। ये मैंने बोला था कि नीचे वाली दो रो हमने काउंट नहीं करनी, उसके बाद जो जिस रो में हमने फंदे डबल किए हैं ना वो रो हमारी पहली है, और जिसमें कलर चेंज किया है बैक साइड से वो हमारी दूसरी है। सिर्फ इसमें कलर चेंज करने की वजह से थोड़ा होता है कि पता नहीं चलता, अदरवाइज अगर एक कलर में बनाते हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है कि हमने कितनी रो डालनी है। ये हमारी तीसरी सिलाई, और तीसरी सिलाई जो बनानी है हमने पूरी उल्टे उल्टे फंदों की बनानी है। जो हमारे पास 26 फंदे हैं ना, 26 फंदों को ही हमने उल्टा बुनना है, चाहे हमने फ्रंट और लास्ट में तीन तीन फंदे छोड़े ही क्यों ना हो, तो हम उनको भी उल्टा तो बुनेंगे ही, बीच वाले फंदे भी उल्टा बुन लेंगे और उल्टा बुनते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ग्रीन कलर का मैं सिर्फ ये दो रो ही डालूंगी, उल्टी और सीधी, इसके बाद फिर से मैं वाइट कलर लगा दूंगी। तो ऐसा मैंने करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर ली है, और राउंड साइड से आपको दिखा देती हूँ कि मैं कलर चेंज करने वाली हूँ फोर्थ रो में। फोर्थ रो में हम कलर चेंज कर लेंगे, ऐसे वाइट कलर का धागा लगा लेंगे। तो इस तरह मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। पांचवी सिलाई सीधी तरफ आ चुके हैं। इस रो को आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर फिर से हम पैटर्न बनाने वाले हैं। पहले तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदों को हम चार फंदों में कन्वर्ट कर देंगे। पहले फंदा का एक फंदा बनाया, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे और पिछली साइड नीडल इंसर्ट करके ऐसे फिर से एक फंदा बना लेंगे। एक फंदे के मैंने दो बना दिए, फिर से एक फंदा बनाया, इसी में वापस हमने सिलाई डाली और एक फंदा फिर से बना लिए, दो फंदों के चार फंदे बना लिए, एक फंदा सीधा, एक फंदे का दो फंदे बनाए, ये दूसरी बार एक फंदे के दो फंदे,
और ये एक फंदा सीधा। इन्हीं तीन फंदों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे, ये दूसरी बार एक फंदे के दो फंदे और एक फंदा सीधा। ऐसा करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो पहले मैंने पांचवी सिलाई को कंप्लीट किया सीधी तरफ से पैटर्न बनाते हुए और उसके बाद छठी रो को उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं सातवीं सिलाई पर। सातवीं सिलाई पर फिर से पैटर्न अप्लाई करेंगे, पहले तीन फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। और मैं एक बात आपको और बता दूं, इस पांचवी रो में जब हम पैटर्न बनाते हैं, फंदे बढ़ाते हैं, तो छठवीं सिलाई में कह लीजिए या छठवीं सिलाई के बाद कह लीजिए, जब हमारे पास 40 फंदे हो जाते हैं। जब हम लास्ट रो में पैटर्न अप्लाई किया था तब हमारे पास 26 फंदे हो गए थे बढ़ा के, और इस बार फंदे बढ़ाए हैं तो हमारे पास 40 फंदे हो जाते हैं। अगर हमने 16 फंदों से शुरू किया है तो 40 फंदे हो चुके हैं हमारे पास। एक फंदा मैंने सीधा बना लिया है सातवीं रो में। अब हम एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे, एक बार एक फंदे के दो फंदे बनाए जैसे मैं पहले बनाती हूँ। उसके बाद हमने दो फंदे सिंपल बुनने हैं, एक दो। इन चार फंदों को छोड़ के ये वाले तीन फंदे हैं जो, इनको हमने बार बार रिपीट करते जाना। पहले एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे, एक बार बुना, इसके बीच में से हमने फिर से सिलाई डाली और दूसरी बार फंदा बढ़ा दिया। अब दो फंदे सिंपल सीधे, एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे, और दो फंदे सिंपल सीधे बना लेंगे, एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे, दो फंदे सिंपल सीधे बनाएंगे। तो फंदे काफ़ी हैं रो में, तो ऐसे हमने इन तीन फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं, दो फंदे सिंपल सीधे बुनने हैं, एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं, दो फंदे सिंपल सीधे बुनने हैं। तो ऐसा करते हुए हम लास्ट के तीन फंदे छोड़ के ये प्रोसेस रिपीट करते आएंगे। लास्ट के तीन फंदे हमने उल्टे ही रखने हैं, हमारी बटन पट्टी के जो फंदे हैं। तो ऐसा करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी सातवीं सिलाई है, आठवीं सिलाई भी हमारी उल्टी ही आएगी। सीधी तरफ से आठवीं सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं आठवीं रो रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में हमने फिर से कलर चेंज करना है। ये जो हमने ग्रीन कलर का धागा लगा लेना है इसमें, ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। चलिए मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। फंदे काफ़ी बढ़ चुके हैं तो पूरी रो बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। रॉन्ग साइड से आठवीं से रो मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हमने आगे कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सिर्फ हमने 8 सिलाइयों तक ही फंदे बढ़ाने थे। और यहाँ पर अब हमारे पास 51 स्टिचेस हो चुके हैं। जब हमने पहली रो में ही फंदे बढ़ाए थे तो हमारे पास 26 फंदे हो चुके थे। उसके बाद हमने पांचवी रो में फंदे बढ़ाए तो हमारे पास 40 फंदे हो गए। इसके बाद हमने जब सातवीं रो में फंदे बढ़ाए हैं तो हमारे पास 51 फंदे हो चुके हैं, 51 स्टिचेस हो चुके हैं। इनसे आगे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब हम नौवीं सिलाई पर हैं। नौवीं सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। उल्टे फंदों को भी उल्टा बनाना है और जो बीच में सीधे फंदे हैं ना हमारे, उनको भी हमने उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। और दसवीं सिलाई में फिर से मैं व्हाइट कलर लगा लूँगी बैक साइड से। तो ऐसा करते हुए मैं 9 और 10 नंबर की सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। 10 नंबर में याद रखिए कि मैंने रॉन्ग साइड से व्हाइट कलर लगा लेना है। उल्टी तरफ से दसवीं सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और व्हाइट कलर लगा लिया है। जो हमारा ग्रीन कलर का धागा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब हम आ गए हैं ग्यारहवीं सिलाई में। ग्यारहवीं सिलाई में पहले तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करके बीच के फंदे जो है हम सीधे बनाएंगे ऐसे। सारे फंदे हमने बीच के जो हैं सीधे बुनने हैं, सिर्फ लास्ट के तीन फंदे जो बटन पट्टी के हैं हमारे बॉर्डर के,
उनको हमने उल्टा बनाना है। तो ऐसा करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से 12वीं सिलाई जो है उल्टी रुटी बना के कंप्लीट कर लेंगे। बारहवीं सिलाई को मैंने उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में 13वीं सिलाई पर। 13वीं सिलाई में अब हम इनके इसकी बाजू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पहले तीन फंदे तो हम बनाएंगे उल्टे, ये तो हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको हम चेंज नहीं करें, धागा पीछे करके अब हम पांच फंदे सीधे बना देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, आठ फंदे हो चुके हैं हमारे। तीन फंदे मैंने उल्टे बनाए, पांच फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर हम 10 फंदे कम कर देंगे, बंद कर देंगे जो हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा कम हो गया, दो का एक किया, तो फिर से इसी फंदे को दूसरी नीडल पर लेंगे और फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे। ये दूसरी बार दो हो चुके हैं, ये तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। दस फंदे तो कर दिए हमने बंद। ये देखिए 10 फंदे हमने बंद किए हैं। पहले मैंने 8 फंदे ऐसे फ्रंट साइड में रख लिए हैं, 10 फंदे बीच में बंद कर दिए हैं बाजू के। एक फंदा ऑलरेडी मेरी नीडल पर है, धागा पीछे कर लेंगे। अब हम 14 फंदे और सीधे बनाएंगे। एक फंदा ऑलरेडी है, 15 फंदे बनाने हैं हमने चेस्ट के लिए। एक, दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। 15 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर से 10 फंदे हमने दूसरी बाजू के लिए बंद करने हैं। एक फंदा, ये दूसरा, इसको वापस उसी नीडल पर लेंगे और इसके साथ एक और लेंगे। ये तीन हो गए, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ एंड लास्ट में 10। 10 फंदे हो चुके हैं इस बाजू के बंद, दोनों बाजू हमने निकाल ली हैं ऐसे करके। तो अब हमारी जो चोली है शेप में आ जाएगी। एक फंदा मेरे पास है, धागा पीछे कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, टोटल हो गए पांच। पांच फंदे हमने सीधे बनाने थे, तीन फंदे हमारे जो बटन पट्टी के बचे हैं वो ले लेंगे। आठ फंदे हो गए, आठ आठ फंदे हमने दोनों साइड रखे हैं। 10-10 फंदे मैंने बाजू के निकाले हैं और 15 फंदे मैंने चेस्ट के रखे हैं, क्योंकि मैं फ्रंट साइड से पहनाने वाली हूँ उस चोली को, लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने चेस्ट के लिए फ्रंट से रखे। जो हम फ्रंट के लिए बनाते हैं ना सोच के कि हमने फ्रंट साइड से बनानी है चोली, वो फ्रंट साइड से ही आएगी, पिछली साइड से नहीं आएगी, कमर से। तो ये कमर के फंदे नहीं हैं, जिस चेस्ट के फंदे हैं तो मैंने ऐसे बनाए हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड से भी आप देखिए, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। पहले हमने ना 7 फंदे बना लेने हैं उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 फंदे उल्टे बनाए। एक फंदा है, 8 फंदे थे ना हमारे पास यहाँ पर, एक फंदा ये लेंगे, एक फंदा इस साइड से लेंगे और दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। ऐसे दोनों को ना हमने लॉक करना है। अगर हम ऐसे ही ना एक एक फंदे को बुनेंगे तो
ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाजू में गैप आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए बीच में 13 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा बच गया। एक फंदा इस साइड से लेंगे चेस्ट वाली साइड से, एक फंदा हम फ्रंट वाली साइड से लेंगे जो हमने पल्ले के लिए रखा है। दोनों को लॉक कर देंगे और बचे हुए फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। हमारे यहाँ पर 22 फंदे जो है कम हो चुके हैं, पहले 51 थे ना, तो 22 फंदे हमने कम कर दिए हैं। 10 फंदे बाजू के लिए इसके लिए रखे हैं, 10 फंदे इस बाजू के लिए, और 2 फंदे जो हमने बैक साइड के लिए रखे हैं। यहाँ पर हमारी जो है 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 15वीं सिलाई में हमने सिंपली क्या करना है, 15 और 16 को ना हमने सीधा सीधा बुन लेना है। इस 5 फंदे को तो हमने 3 फंदे को तो ऐसे ही रखना है जो फ्रंट के और लास्ट के हैं, और बीच के फंदे जो हैं उनको सीधा बना लें ऐसे, और लास्ट के भी 3 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे। तो ऐसा करके हमने ये और उल्टी साइड से 15वीं और 16वीं रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 15, 16 और 17। 17वीं सिलाई हमारी राइट साइड से आती है, वो मैंने वाइट बनाई इसलिए क्योंकि मैंने 18वीं सिलाई में कलर चेंज करना है बैक साइड से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग वाला ही कलर लगा लेते हैं जो हमने शुरू में ही लगाया है। पहले वाइट फंदे को ना हमने थोड़ा टाइट कर लेना है, उसके बाद हमने इनको दबाते हुए, अब हमारे पास ना 29 फंदे बचे हैं। 29 फंदों को हमने 2 सिलाइयाँ डालनी हैं सिर्फ, एक तो ये मैंने कलर लगा लिया ना 18वीं सिलाई में, 19वीं रो में इसको बंद कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो होता है कि अगर ज़्यादा रो बनाते हम तो नीचे से चोली जो फोल्ड होती रहती है, तो ऐसा करते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। काफ़ी दबा लिया मैंने, अब इन फंदों को कट कर दें। तो मैं ऐसे ही आपको पूरी रो दिखा ही देती हूँ क्योंकि थोड़े ही फंदे रह चुके हैं, और रॉन्ग साइड से हमने बंद कर देना है इसको। बहुत आसान है, आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो, और आपने सिर्फ फंदों का ध्यान रखना है। जब मैं जिस फॉर्मूले से मैं फंदे बढ़ाती हूँ, जैसे ही मैं बताती हूँ, मेरे फंदे बिल्कुल सेट आते हैं, एक भी फंदा आगे पीछे नहीं होता हमारा। ऐसे देखिए अब हमने बंद कर देना है। सीधी साइड से ही बंद कर देते हैं, जैसे हम सीधे फंदे बनाते हैं ना उसी तरीके से 2 फंदों में नीडल इंसर्ट करेंगे और 2 बैक बना लेंगे। जैसे मैं फंदे बंद करती आई हूँ ना बाजू के, उसी तरीके से ही हमने फंदे बंद करने हैं सारे फंदे। ये सबसे आसान तरीका है फंदे बंद करने का। तो ऐसा करते हुए मैं पूरी रो को बंद कर दूंगी। ये देखिए ऐसे करते हुए हमने पूरी रो बंद कर देनी। तो देखिए नीचे से मैंने सारी ड्रेस को बाइंड ऑफ कर लिया है, और बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी ड्रेस हमारी बन के रेडी हो चुकी है। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन होने से इसका लुक जो है डबल हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं मेजर कर लेती हूँ। इसकी लेंथ जो है 2.5 इंच लंबी हमारी ड्रेस बनी। तो बैक साइड से भी इसका लुक देखिए, यहाँ पर हम स्टिच बटन लगा देंगे ऐसे, तो बहुत अच्छी फिटिंग के साथ आएगी। मैं पहले यहाँ पर स्टिच बटन लगा लूँगी, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाएंगे कि ये ड्रेस कैसे बनी लगती है हमारे लड्डू गोपाल जी को पहनाए हुए।